का जो डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन है वो गाइस आजकल सब भी एड नेटवर्क पे ना ज़्यादातर रखते डायरेक्ट लिंक पे। ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम आप लोगों को एक डायरेक्ट लिंक देते हैं, आप उस डायरेक्ट लिंक पे वहाँ पे ट्राफिक भेजो और हम उस ट्राफिक का आप लोगों को जितना CPM वगैरह बनता है उसके हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे। तो ये गाइस जो मैं आप लोगों के साथ वेबसाइट वगैरह कुछ भी जो शेयर करते हैं वो पूरा ट्रस्टेबल होता है और ऐसे ऐसे मेथड यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वाली चैनल पे, जहाँ पे आप लोगों को अनबिलीवेबल आप लोगों को ऐसे कंटेंट मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आज की बात करें तो monetech.com करके एक वेबसाइट है जहाँ से हम ट्रैफिक भेज के बहुत ही अच्छी अर्निंग करेंगे और यहाँ पे ये ट्रस्टेबल वेबसाइट है, ऐसा नहीं है कि भाग जाएंगे, ठीक है, एकदम ट्रस्टेबल वेबसाइट है। इसको यूज़ करके आप लोगों को यहाँ पे इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। आपकी अगर वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है फिर भी आप लोगों को यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट वेबसाइट भी आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी अर्निंग कर पाओगे। गाइज अगर वेबसाइट नहीं है तो मैंने ऑलरेडी मेरी फ्री डोमेन फ्री होस्टिंग वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने वॉच नहीं की है तो मैं आप लोगों को आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी। सबसे पहले आप लोगों को आपकी एक वेबसाइट क्रिएट कर लेनी है और वहाँ पर वर्डप्रेस भी वगैरह इंस्टॉल करके ही मैंने आप लोगों को बताया है, और मज़े की बात यह है कि वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर फोन पे ही बताया। तो उस वाले वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना अगर आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हो और वेबसाइट के थ्रू आप वहां पे अर्न करना चाहते हो। तो पहले आप अपने एक वेबसाइट क्रिएट कर लें। आजकल सभी के पास जो भी ऑनलाइन वीडियो देखते हैं उन सभी के पास अपनी अपनी वेबसाइट होती ही है। अगर बाई चांस किसी के पास अगर वेबसाइट नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही मूव कर सकता है, जिसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, ठीक है। तो चलो अभी मैं आप लोगों को बात करती हूँ और यहाँ पे अर्निंग की बात के थ्रू अगर आप चाहते हो कि हम ट्रैफिक वगैरह कहाँ से लाए तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। मैं आप लोगों के साथ ट्रैफिक वाली मेथड भी ज़रूर शेयर करूँगी इसी वाली वीडियो में, तो वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलो ये monetech की मैंने आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है, आप उसके ऊपर जाके यहाँ से अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन है तो साइनअप कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को सबसे पहले आपको जो साइनअप करोगे तो यहाँ पे ऐसे करके इंडिविजुअल कंपनी, तो आप लोगों को सिंपली इंडिविजुअल के ऊपर ही बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर ही ये रहता है टिक। और ये भी वीडियो पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल से ही बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं कि मैम हमें मोबाइल से बताइए कि मोबाइल से कैसे करते, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर मोबाइल से ही वीडियो बनाना पसंद करती हूँ, फिर चाहे मुझे डिफ़िकल्ट हो, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे आप लोगों को आपका फर्स्ट एंड लास्ट नेम दे देना है, सिटीज कंट्रीज, ठीक है, और कंट्रीज और रिडाइसन जो भी है यहाँ पे मांग रहे हैं वो सब दे दीजिए यहाँ पे, आईडी वेरिफिकेशन, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और मैसेंजर टाइप में आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी दे सकते हैं, सिर्फ उसका नाम वगैरह यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो फटाफट मैं इसकी फिलअप दे देती हूँ। अभी उतनी डिटेल्स फिल करने के बाद ये मुझे नेक्स्ट मैंने किया, वैसे ही उसने मुझे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है कि आपके पास कोई वेबसाइट है आप उसे मोनेटाइज करना चाहते हैं, मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसे मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने मैसेंजर में सिर्फ फेसबुक को सिलेक्ट कर दिया, मैंने अपना निक नेम यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का URL आप लोगों को दे रहा है, वैसे ही मैंने आप लोगों को बोला था अगर आप लोगों के पास वेबसाइट है तो आप लोगों को इसका URL देना है। ये URL इसलिए मांग रहा है कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाले चूज़ करूँगी तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर आप यहाँ पे ऑडियंस वगैरह कहीं पे लाना चाहते हो ट्रैफिक वगैरह, तो उसका यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो। और आपको कहाँ से पता चला, आपको मेरी वीडियो के थ्रू इसके बारे में पता चला, तो आप सिंपली लिख सकते हो YouTube। अभी यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग, आप लोग किस एड नेटवर्क के साथ पहले काम कर चुके हैं तो आप लोगों को उसकी यहाँ पे डिटेल्स डाल दे रही, बहुत ही इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आई एम नॉट अ रोबोट और साइनअप के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद इसने मुझे ईमेल वेरिफिकेशन के लिए मेरी ईमेल आईडी पे कोड भेजा है, तो मुझे सिर्फ वहाँ पे जाके वेरीफाई करना है। अब इसके ऊपर मैं वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगी और ये मेरा अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो ये मुझे रिडायरेक्ट इसने मुझे कर दिया है एक्टिवेट योर अकाउंट। अब यहाँ पर मुझे एक पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करना है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वाला मैं पासवर्ड दे दूँगी। जो जो कैरेक्टर ये मांग रहा है पासवर्ड में उतने कैरेक्टर आप लोगों के यहाँ पे ग्रीन टिक होते जाएंगे और मिनिमम 8 कैरेक्टर आप लोगों के पासवर्ड में होने चाहिए। तो यहाँ पर मेरी ग्रीन टिक सभी में आ गई है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड मेरा यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे फिनिश एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, सेव पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अभी मेरा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। कुछ भी है जी, ये यहाँ पे ये ESTIC वगैरह कुछ मुझे यहाँ पे मिला है, ठीक है।
अभी हम थोड़ा नीचे यहाँ पे देखिए 3 डॉट में, मैं थोड़ा आप लोगों को डेस्कटॉप वर्जन में ओपन करके बता देती हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि फ़ॉन्ट से गाइस यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों को अगर आपकी कोई वेबसाइट है ना तो साइट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी वेबसाइट को यहाँ पे आप लोगों को ऐड कर देना है। कोई कोड देगा आपको, उस कोड को आपको आपकी वेबसाइट के अंदर एंटर कर देना है, उसके बाद आपकी वेबसाइट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएंगी। अभी आप लोगों के पास कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो उसका भी यहाँ पे आप मोनेटाइज करवा सकते हो, उसकी भी यहाँ पे फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को डायरेक्ट लिंक का एक ऑप्शन मिल जाता है, उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही डायरेक्ट लिंक के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऐड डायरेक्ट लिंक, आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे हम एचटीएमएल बनाते हैं वैसे ज़्यादा यहाँ पे डायरेक्ट लिंक जनरेट नहीं करनी है, आप लोगों को सिंपली एक ही डायरेक्ट लिंक यहाँ पे जनरेट करनी है और वहाँ पे उसका कुछ नेम वगैरह दे देना है। तो मैं अपनी डायरेक्ट लिंक का नेम दे देती हूँ, मेरा ही नाम दे देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे गेट टैग के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमारी डायरेक्ट लिंक है यहाँ पे देखिए ये इसने तुरंत ही यहाँ पे जनरेट कर दिया है, सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएटेड हो गई है। तो ये मेरी डायरेक्ट लिंक है यहाँ पे, ये वाली बहुत ही शॉर्ट है। अभी इस लिंक को मैं कहीं पे भी प्रमोट कर सकती हूँ क्योंकि ये मोनेटैग जो है वो सभी में फैसिलिटीज देता है कि आप हमारे जो डायरेक्ट लिंक है उसे आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, ये कभी भी वो कहीं पे भी शेयर करने के लिए मना नहीं करती। और ख़ासकर बात ये है, मैं आप लोगों को भी मैं लास्ट वीडियो में लास्ट में बताऊँगी एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। तो सबसे पहला अभी इस डायरेक्ट लिंक पर हमें ट्राफिक कैसे लाना है, अर्निंग कैसे करनी है, वो मेथड देखिए। यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ ही ये मेथड, फिर भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली गाइस इस पे वर्क करती हूँ, जो चीज़ मैं पर्सनली वर्क करती हूँ वही आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर भी करती हूँ। तो देखिए बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताऊँगी, अब थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अभी हमें सिंपली गूगल में आ जाना है, गूगल में क्या सर्च करना है वो देख लीजिए, लाइगर ठीक है डाउनलोड ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को कुछ यहाँ पे लिख लेना है और बहुत सारी आप लोगों के सामने यहाँ पे वेबसाइट वगैरह ओपन हो जाती है। तो हम कोई एक वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कैसा यहाँ पे इसने आर्टिकल वगैरह लिख के रखा है। सेम टू सेम आप लोगों को यही प्रोसेस को आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। फ्रेंड्स ये जो मैं आप लोगों को मेथड बता रही हूँ ये बहुत सारे यहाँ पे लोग इसे यूज़ करते हैं और मेरी माने अगर आप इसे कंटिन्यू इस पर वर्क करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे इंस्टेंट आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ गाइस आप लोगों को इस पर वर्क अब कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन करना है उसके बाद रुक जाना है, कंटिन्यू वर्क करना है। लेकिन आप लोगों को इस पर रिजल्ट 100% आप लोगों को देखने को मिला, इतने सारे लोग इसी वाली मेथड को यूज़ करें तो सारे लोग पागल तो है नहीं, क्योंकि उन लोगों को भी यहाँ पर रिजल्ट मिल रहे हैं इसीलिए वो इस मेथड को यूज़ करके यहाँ पे बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और यहाँ पे इस मेथड को पर्सनली मैं भी यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ, मैं मेरी पर्सनल जो वेबसाइट है वो यहाँ पे रिवील नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ मेथड बताऊँगी तो यहाँ पर ध्यान से देखना है। देखो इसी मेथड को यूज़ करके यहाँ पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिलता है फ्रेंड्स, तो ये वैलिड है, एकदम वैलिड मेथड है, तो बस इसे यूज़ करना आप लोगों को आना चाहिए। अभी मैंने जो लिखा है उसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे एक वेबसाइट मिल गई है तो मैं क्या करूँगी इस पूरी की पूरी वेबसाइट की जो आर्टिकल है इमेजेस है सब कुछ मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगी, कॉपी करके मैं अपनी वेबसाइट में जाएंगे। तो देखिए हमने एक वेबसाइट को यहाँ पे टारगेट किया था और उसी वेबसाइट हमने सारे के सारे कंटेंट यहाँ से हमने उठा लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना अभी इस सारे कंटेंट को यहाँ से मैंने एक मेरी नोटपैड में यहाँ पे पेस्ट करके रखा है, ठीक है। और ये जो लिंक आप देख रहे हो ये लिंक है हमारी मोनेटैग की, ये लिंक है उसे भी मैंने यहाँ पे ले लिया, जो डायरेक्ट लिंक हमने जनरेट की थी उसे भी मैंने यहाँ पे ले लिया। तो सबसे पहले हमारा जो टाइटल है इस टाइटल को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल और यहाँ से कर लेंगे इसे कॉपी। अभी जाएंगे हम हमारी वर्डप्रेस की साइट के ऊपर, जो फ्री वाली साइट हमने क्रिएट की थी ना उसी के ऊपर जाएंगे। तो
गाइज हमारी यहाँ पे फ्री होस्टिंग वाली साइट के ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पे ना कोई डोमेन हमने परचेस किया, ना ही कोई हमने होस्टिंग ली है। सारा का सारा हम मेथड जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने आपको आई बटन में लिंक दे दी है, आप लोगों को वीडियो वॉच करके अपनी एक वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आप वेबसाइट क्रिएट करने का सोच रहे हो और वर्डप्रेस पे मूव करने का सोच रहे हो तो होस्टिंगर इज अ बेस्ट। होस्टिंगर के साथ आप जा सकते हो। होस्टिंगर के रिव्यू वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पे गूगल कर लेना। होस्टिंगर के जो रिव्यू है वो भी एकदम बेस्ट है। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ होस्टिंगर को। अगर आप होस्टिंगर के साथ जाओगे तो आप लोगों को 1 ईयर के लिए वहाँ पे डोमेन भी फ्री मिलता है और चीप से चीप बेस्ट होस्टिंग है। तो होस्टिंगर की अगर आप मेरी लिंक से अगर बाय करोगे, मेरा प्रोमो कोड वगैरह यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पे 25% वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम यहाँ पे आ गए हैं फ्री वाली होस्टिंग के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हमने जो टाइटल वगैरह कॉपी किया था और यहाँ पे हमने एक न्यू पोस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया और वही सेम टाइटल हमने यहाँ पे दे दिया है। सेम टाइटल दे देने के बाद अभी हम उसका कंटेंट वगैरह भी चाहिए, वापस जाएंगे बैक। बैक जाने के बाद जो इसका पूरा का पूरा जो कंटेंट है, ये यहाँ से ये हमारी जो इसकी डायरेक्ट लिंक है उसे भी हम ले लेंगे, सिलेक्ट ऑल, यहाँ से कट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे इस पूरे के पूरे कंटेंट को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये आ गया, ये मैंने हिंदी में लिया है। मुझे हिंदी वाला कंटेंट ये मुझे अच्छा लगा था, थोड़ा गैपिंग वगैरह आ जाते तो आप लोगों को यहाँ से इसे थोड़ा यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अभी तो हमें इमेजेस वगैरह भी आएंगी तो भी हम एक इमेज यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा। और इमेज के लिए हम यहाँ पे ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। इमेज की भी हमने यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट ले ली है, तो फाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जो इमेज की हमने स्क्रीनशॉट ली थी, देखिए फ्रेंड्स पूरी के आप लोगों को सारी मेथड मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोगों को ना वीडियो देखने के बाद उसे अप्लाई भी ज़रूर करना है। मैं आप लोगों के जो ट्रिक वगैरह लाती हूँ वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से वर्क करती है, क्योंकि मैंने इस पर वर्क किया है तो मुझे पता है। तो प्लीज़ गाइस इस पर वर्क ज़रूर करना, आप लोगों का रिजल्ट मिलेगा और 100% मिलेगा। अभी आप लोगों को जो आपका टाइटल है वही आप लोगों को अल्ट्रा टेक्स्ट में आपका टाइटल दे देना है। ठीक है, और यहाँ पर इंसर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गई है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। अभी ये हमारी इमेज आ गई है, अगर आप चाहो तो इसे यहाँ पे फ्रंट में ले लेंगे। ये पूरा का पूरा फॉन्ट से ही कर रही हूँ मैं। अभी हमारा वर्ड काउंट देखिए 800 से ऊपर है, यहाँ पे हमारे वर्ड काउंट है। अभी यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को, जो हमारी डायरेक्ट लिंक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा गैपिंग वगैरह है, जो हमारी डायरेक्ट लिंक है वो ऊपर ही कहीं है जो हमने कॉपी की थी ये वाली, इसे हम यहाँ से कर लेंगे कट। ठीक है, क्योंकि ये लिंक हमें आगे काम आएंगी, इसे हम कर लेंगे कट। तो हमें ना यहाँ पे पोस्ट ऐसी लिखनी है कि यहाँ पे यूज़र को यहाँ पे स्कैम ना लगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा रखा है, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आप लोगों इसको यहाँ पे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो उसकी मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स वगैरह दे के रखी है। अभी इसे कोई यूज़र अगर ऑनलाइन वॉच करना चाहते तो वो कैसे कर सकता है, देखिए तो मैंने यहाँ पे उसका भी मैंने लिख के रखा है। लाइगर मूवी को ऑनलाइन वॉच कैसे कर सकते हैं, तो उसकी वेबसाइट का नाम भी मैंने दे के रखा है। तो यूज़र को यहाँ पे इंफॉर्मेटिव एक इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएंगी। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ट्रिक हमें लगानी है, एक डाउनलोड का बटन आप लोगों को यहाँ पे एम्बेड कर देना है। वो बटन आप लोगों को गूगल से ही डाउनलोड कर लेना है। अभी ये जो ट्रिक है वो मैं वेबसाइट के लिए बता रही हूँ, अभी मैं डायरेक्ट लिंक विदाउट वेबसाइट भी आप लोगों को अर्न करना बताऊँगी, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। अभी यहाँ पे मैंने एक बटन यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे उस बटन में यहाँ पे लिंक को अप्लाई भी कर दे रहा है। अभी कोई भी यहाँ पे व्यूअर्स आएंगा और यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट हो जाएगा हमारी उस वाले लिंक के ऊपर। अगर आप लोगों को ये नहीं करना है तो यहाँ पे सिंपली लिख देना है, ठीक है, और उसे थोड़ी यहाँ पे आप लोगों को इससे बिग कर देना है कि व्यूअर्स को दिखे, या फिर कलर वगैरह यहाँ पे चेंज कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बस इतना यहाँ पे लिख दिया है, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा इसे एडिट कर देना है और यहाँ पे इसे इस तरीके से लिख दिया। मैं बोल नहीं सकती हूँ ज़्यादा इस वर्ड को, तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख लेना है। अभी यहाँ पे इस वाली जो टाइटल है ना पूरा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अभी जो मैंने
यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को यहाँ पे बोल्ड करके लिंक ले लूँगी और यहाँ पे इस टेक्स्ट में मैं लिंक को पेस्ट कर दूँगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बटन यहाँ पे देना है, मैं तो ज़्यादातर यहाँ पे बटन नहीं देती, मैं ज़्यादातर यहाँ पे लिखना ही पसंद करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा वैलिड लगता है, तो यूज़र उस पर क्लिक भी करता है। ठीक है, तो ये हमारी पोस्ट यहाँ पे हो गई है, तो अभी इसे हमने कर दिया इसे पब्लिश। आप लोगों के सामने मैं इसे पब्लिश कर रही हूँ, फर्स्ट वाली पोस्ट है, इससे पहले मैंने यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे शायद ही पब्लिश की है। ठीक है, तो हाँ ये मेरी फर्स्ट पोस्ट है, तो अभी मैं यहाँ पे इस पोस्ट को यहाँ पे देख लेती हूँ, ऑल पोस्ट में जाती हूँ और जो हमारी पोस्ट है वो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए ये वाली हमारी पोस्ट है, जस्ट हमने अभी क्रिएट की है इस पोस्ट को। ठीक है, तो इस वाली पोस्ट ही हमारी आ गई है। तो अगर वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो ये वेबसाइट दिखने में कैसी है वो भी एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये फ्री वेबसाइट है तो कैसी लगती है हमारी ये वेबसाइट। तो ये देखिए एक ही पोस्ट है, तो इस पर अभी एक ही पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एशटे आगे भर भर के ऐड भी लगा सकती हूँ, बहुत ही अमेजिंग तरीके से मुझे इस पर ट्रैफिक वगैरह भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ऐसी पोस्ट गाइस यहाँ पे लोग सर्च करते रहते हैं। अभी हम आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट मेथड है, ट्रैफिक प्लस विदाउट वेबसाइट आप अर्न कैसे कर सकते हैं इस मेथड को यूज़ करके, तो चलो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी ट्रैफिक के लिए ना हम पिंटरेस्ट का यूज़ करेंगे। गाइस पिंटरेस्ट पे इस लिंक को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो लिंक है वो यहाँ पे अलाउ करती है डायरेक्ट लिंक का, और पिंटरेस्ट भी इसे नहीं ब्लॉक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पिंटरेस्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि अमेजिंग बात ये है कि पिंटरेस्ट इसे अलाउ करती है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग है। प्लस वाला आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे पिन का ऑप्शन है उसे हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अलाउ करेंगे, अभी यहाँ पे हम एक पिन क्रिएट करेंगे और जो हमारी मूवी है उसका यहाँ पे पोस्टर ले लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे पिन का जो टाइटल है वो हम दे देंगे, जो हमने लाइक जो भी हमारी इस मूवी का जो नाम वगैरह है वो यहाँ पे दे देना है और वो हम यहाँ पे दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम कुछ ऐसा ही दे देंगे, जो टाइटल है वही दे देंगे। अगर आपने किसी वेबसाइट के थ्रू अगर ट्रैफिक लेना चाहते हो तो इस मेथड ये वाली मेथड यहाँ पे वर्क करती है। और अभी यहाँ पे ऐड लिंक का जो ऑप्शन है वहाँ पे अभी आप देखिएगा, हम यहाँ जाएंगे, अभी डायरेक्ट लिंक जो है ना पूरी मेथड देखिएगा फ्रेंड्स तो ही आप लोगों को पता चलेगा। अभी इस डायरेक्ट लिंक को हम कॉपी करेंगे, अभी हम यहाँ पे जाएंगे, अभी यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को जो डायरेक्ट लिंक है उसे तो आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अभी डबल जो स्लैश है उसके आगे आप लोगों को https लगाना है। ठीक है, ये लगाएंगे तो ही आप लोगों की लिंक यहाँ पे वैलिड मानी जाएंगी, वरना नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ऐड लिंक आ गई है। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे ऐड हो गई है, अभी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी आप लोगों को यहाँ पे एक बॉट क्रिएट कर लेना है, मैं इसी के रिगार्डिंग एक बॉट यहाँ पे क्रिएट कर लूँगी और इसी बॉट में हमारी जो पिन है उसे हमने यहाँ पे पब्लिश कर दिया है। अभी यहाँ पे जाएंगे हम हमारी साइट में, अभी कोई भी यूज़र इस वाली लिंक के ऊपर क्लिक करता है ना तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारी उस वाली डायरेक्ट लिंक के ऊपर और हमें बहुत ही अमेजिंग तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक आएगा। पिंटरेस्ट गाइस बहुत सारी लिंक को यहाँ पे अलाउ नहीं करता, लेकिन ये जो वेबसाइट है जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की है वो वेबसाइट की यहाँ पे लिंक को ये अलाउ करता है, तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है। अभी यहाँ पे आते हैं और यहाँ नीचे आने के बाद ये देखिए ये जो हमारी जो पोस्ट है जस्ट अभी हमने इसे शेयर किया है। ठीक है, सॉरी हमारी जो पिन है जस्ट अभी इसे शेयर किया है और जो हमने इसका बॉर्ड वगैरह भी उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे बना के रखा है। बस अभी इसी बॉर्ड में मैं सारे के सारे मैंने यहाँ पे देखोगे तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी यहाँ पे पिन क्रिएट करके रखी है। तो ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे अपनी पिन को क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को इंस्टेंट ट्रैफिक आपकी जो डायरेक्ट लिंक है उसके ऊपर मिल जाएगा। अगर आप किसी वेबसाइट के थ्रू ट्रैफिक लेना चाहते हो तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पे ट्रैफिक ले सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही पिन क्रिएट कर लेनी है।
अभी गाइस वीडियो में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजिंग है, कोई भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों की यहाँ पे पूरी हेल्प करूँगी। अगर ये मेथड यहाँ पे आप लोग इसे यूज़ करेंगे, पर्सनली इसे इसके ऊपर वर्क करोगे तो आप लोगों को 100% यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि इस मेथड को बस आप लोगों को देख के छोड़ देना है, एक दो दिन वर्क करना है उसके बाद वर्क ही नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर काम हाथ में लिया है तो उसे कम्प्लीट भी करना सीखो। अगर आप इस पे ऊपर कंटिन्यू वर्क करोगे ना तो आप लोगों को देखना रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे। अगर मेरी मानो तो एक डोमेन बाय कर लो और उसके ऊपर ऐसे ही कंटेंट वगैरह डालो। मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाया कि ऐसी वेबसाइट को गूगल एडसन अप्रूवल भी देता है, तो इतने सारे लोग इसी मेथड को यूज़ करके गाइस ट्रैफिक भी मिलियन में लाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया, मैं भी इसी टॉपिक पे मैं भी वर्क कर रही हूँ, ठीक है, और टूक समय में आप लोगों के साथ मेरा जो रिजल्ट है, मेरा जो एडसन का अकाउंट है वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे, आप लोग अगर मेरे पुराने व्यूवर्स हो तो आप लोग जानते होंगे कि मैं यहाँ पे कुछ टारगेट वगैरह रखती हूँ मेरी अर्निंग के, अगर इतनी अर्निंग होती तो ही मैं आप लोगों के साथ वो अर्निंग शो करती हूँ। तो वैसे ही मैंने मेरे एडसन के साथ किया है, वहाँ पर मैंने कुछ अर्निंग का वहाँ पर टारगेट रखा है। बहुत ही जल्द मेरा एडसन का कोड भी आ जाएगा तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ लाऊंगी। तो मेथड गाइस बहुत ही अमेजिंग है, यूज़ करो यार, और अच्छी अर्निंग इसमें है, बहुत ही तबाह की अर्निंग लोग इस पर कर रहे हैं, पागल नहीं है, इतने सारे लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। बार बार मैं ये बोल रही हूँ तो समझो बात को, मैं ज़्यादा उस चीज़ का यहाँ पे नाम नहीं ले सकती क्योंकि YouTube भी कुछ पॉलिसी वगैरह होती है। तो वर्क करोगे तो ही आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।